नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सावन पूर्णिमा पर बनारस के प्रमुख मंदिरों में हरियाली श्रृंगार जल विहार की झांकी देखकर अभिभूत हुए भक्तगण, जहां आप देख सकते हैं वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित त्रिदेव मंदिर में राधा कृष्ण के झूलनोत्सव की अलौकिक झांकी के साथ मंदिर परिसर में कोलकाता के कलाकारों द्वारा सैकड़ों बर्फ की सिल्लियों व गुलाब की पंखुड़ियों, कामिनी आदि की पत्तियों से सजाया गया था। रानी सती श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत कुमार सर्राफ, महामंत्री गोविंद केजरीवाल, श्री नारायण खेमका तथा व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्र ने क्लाउन टाइम्स से हरियाली श्रृंगार के जीवंत पलों को साझा किया। श्रावण मास में हम लोग एक झूलनोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें एक बहुत ही बृहद रूप में हरियाली श्रृंगार एवं पानी का पूरा श्रृंगार करते हैं। देखिए, त्रिदेव मंदिर की स्थापना आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी और हम लोग का प्रयास प्रति वर्ष सावन में ये होता है कि वृंदावन को हम काशी में ले आके उतार देते हैं। यह पूरा फूल बंगला श्रृंगार है, हरियाली श्रृंगार और जल विहार है। यहाँ राजस्थान के हमारे तीनों देव हैं जिनका मंदिर प्रतिष्ठापित है और इस मंदिर का अद्भुत श्रृंगार होता है। पूरे सावन भर 300 दिन नया श्रृंगार होता है और अंतिम सोमवार को ये विशेष आयोजन किया जाता है जो पूरे काशी नगरी को समर्पित है। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हम वृंदावन की झांकियां प्रस्तुत करते हैं कि हर साल हम इस श्रृंगार के लिए इंतजार करते हैं। आज पूरे पूर्वांचल के अंदर इतना भव्य श्रृंगार और इतनी भव्य आरती किसी भी संस्था के द्वारा नहीं कराया जाता। वाराणसी में बटुक भैरव मंदिर में जल विहार झांकी को सजाने के लिए बाबा के गर्भगृह को पूरी तरह जल से भरने के साथ कमल के पुष्पों से सजाया गया था। भक्तों को बाबा की जीवंत झांकी का दर्शन करने के लिए अमरनाथ की गुफा को कलात्मक तरीके से सजाया गया था। मंदिर के महंत भास्कर पुरी महाराज ने बताया कि जल विहार झांकी का दर्शन बाबा ने अर्धचंद्र आसन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिया। भक्तों को मनोरंजन के लिए संगीत का भी आयोजन किया गया था। वाराणसी जनपद के थाना कैंट पुलिस टीम ने आधा दर्जन आपराधिक मामलों में वांछित 25,000 के इनामिया बदमाश कार्तिक उर्फ गोपाल सिंह को, उसके साथी राहुल गौड़ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस व लूट का 4,500 रुपए तथा एक मोटरसाइकिल बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल किया। वाराणसी के SPCT दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस कामयाबी में शामिल पुलिस टीम में थाना प्रभारी कैंट राजीव रंजन उपाध्याय, उप निरीक्षक संजीव बहादुर, अशोक कुमार, कांस्टेबल रामानंद यादव, धर्मदेव चौहान, संतोष कुमार शाह शामिल रहे। विगत रात को एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का एक इनामिया बदमाश को इंस्पेक्टर कैंट और उनकी पूरी टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। उसके साथ एक राहुल नाम का और बदमाश गिरफ्तार हुआ है। ये कार्तिक 2016 से लगातार वांछित चल रहा था, 8-8 मुकदमे में वांछित था। पुलिस को लगातार तलाश थी इसकी, ये मिल नहीं रहा था। जो बेसिकली चुनार का रहने वाला है, लेकिन यहाँ BCA की पढ़ाई के दौरान इसकी जो आपराधिक गतिविधियाँ सामने में शुरू हुई और वो एक आपराधिक गैंग के साथ जुड़ गया, जिसके ऊपर हत्या का प्रयास, लूट, बलवा जैसे संगीन धाराओं में और एक्सटॉर्शन 386 ये अपराध इस पर दर्ज है। इससे पूछताछ की गई है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जो लूट और स्नैचिंग में शामिल बदमाश हैं उनको अभी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास और भी जारी है। जो इनसे जानकारी मिले, जो लोग एक्टिव हैं, इनके पास एक मोटरसाइकिल मिली है, कई मोबाइल फ़ोन मिले हैं और कुछ लूट के पैसे मिले हैं। साथ में तमंचा 315 बोर का, फोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी मिला है। हम इनसे मिली जानकारियों के आधार पर आगे भी ये भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाराणसी के थाना सिगरा पुलिस टीम ने वसीम उर्फ शेरू साहबुद्दीन व श्याम बाबू नाम के तीन शातिर वाहन चोरों को 7 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की।
क्षेत्राधिकारी चेतगंज सत्येंद्र तिवारी ने मीडिया को बताया कि चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, गिरधारी यादव, कांस्टेबल विजय शंकर यादव, राम केवल चौहान आदि लोग शामिल रहे। 26/27 अगस्त की रात्रि 1 बजे सिगरा पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी तो वसीम साहबुद्दीन और श्याम बाबू नाम के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा इनके कब्जे से 7 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें।